श्री लोकनाथ बाबा जी का जन्म आज का दिन इस महापुरुष का जन्म हुआ था। और यह लोकनाथ बाबा उस बाबा के श्रेणी में आता है, जब भी आपको संकट हो, किसी दुख हो, आप इनका नाम ले लीजिए, वह संकट दूर निहर जाता है, कट जाता है। और यह जो लोकनाथ बाबा का पूजा है, बारह द्वारी दुर्गा पूजा मैदान में हर साल की बात ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए बात करते हैं कि लोकनाथ बाबा के बारे में और भी कुछ जानकारी है तो हमारे दर्शकों को दीजिए और बताइए कि लोकनाथ बाबा का क्या इतिहास है। लोकनाथ जी हमारे भगवान लोकनाथ जी हमारा पर्व अवतार हैं। उनका कृपा पाने के लिए हम लोग संवेत हुए हैं। उनका पूजन, उनका आरती, उनका अर्चना हम लोग करते हैं। वो बहुत बड़ा साधु थे और उनका साधना बहुत कष्टदायक थे, बहुत साधना किए थे। 126 वर्ष उन इस धाम में रह चुके हैं। आज उनका तिरोधान दिवस है। इसी उपलक्ष में हम लोग हर साल हम लोग एक पर मनाते हैं। उनका लोकनाथ बाबा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और क्यों इतने चकदा कहाँ पर है? बंगाल में चकदा। क्या क्या खूबी है बाबा, उनको आज भगवान का दर्शन, बाबा का जो खाली नाम लेने से ही बाबा हमारा जितना दुख दर्द है पार कर देता है। बाबा का यही सबसे खूबी है। बाबा बोलता कहीं भी आप दिक्कत में रहोगे, आप मेरे को आँख बंद करके शरण करना, मैं तुम्हें रक्षा करूँगा। तो बाबा का जो इस वाणी है, इस वाणी के में हम लोग बाबा का कभी भी हमारा दिक्कत आता है तो बाबा का शरण करते हैं, बाबा हमारा बेड़ा पार कर देता है। अच्छा, कहाँ पर आप लोग मना रहे हैं? ये न्यू बड़ी दुर्गा पूजा मैदान में हमारा होता है। हम लोग एक 8 साल से 9वां साल रनिंग है। क्या बोलना चाहते हैं लोग? बाबा का जो मेन बात है, बाबा जो बोल के गया, उनका जो ये है, वो बोला था रने बने जंगले जखनी विपदे पड़िबे आमाय शरण करियो आमी तोमाय रक्षा करियो। हिंदी में इसको बताइए। रन वन जंगल में जहाँ पर अब दिक्कत तकलीफ में गिरेगा, बाबा का शरण कीजिए, बाबा आपको रक्षा करेगा। देखिए, बंगाल में वह दंत ग्रंथि है कि भगवान अगर कभी भी दुख में विपत्ति है, जब आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो सिर्फ लोकनाथ बाबा का नाम लीजिए और वह दुख और हानि आपको दूर कर देता है। इसी लोकनाथ बाबा का आज जो पूजा किया जाता है बारह द्वारी में, हर साल की भांति इस साल भी किया जा रहा है। भोग वितरण होगा और सभी श्रद्धालु आकर इस लोकनाथ बाबा का पूजा करते हैं और यही से विश्वास जानता है कि वह कितने महापुरुष, कितने महान थे जिन्होंने अपनी सेवा, अपनी शक्ति मानव धर्म के लिए कुर्बान कर दिया। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव।